जिला मुख्यालय पर उस समय अफरतफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक व्यक्ति ने काला झंडा लहराकर सपा प्रत्याशी सुरेश चंद कर्दम का विरोध किया। विरोध करने वाले व्यक्ति ने सपा प्रत्याशी सुरेश चंद कर्दम के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बाद में जिला मुख्यालय पर तैनात पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने काला कपड़ा लहराने वाले व्यक्ति को खदेड़ दिया। इस दौरान सपा प्रत्याशी के साथ पार्टी महानगर अध्यक्ष शिवाजी निसार ने पुलिस प्रशासन पर विरोध कराने का भी साजिश का आरोप लगाया। अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद कर्दम पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी निसार और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय से बाहर निकल रहे थे, उस दौरान एक व्यक्ति ने काला कपड़ा लहराकर सपा प्रत्याशी का विरोध कर दिया। यह व्यक्ति सुरेश चंद कर्दम मुरादाबाद के नारे भी लगा रहा था। सपा प्रत्याशी और पार्टी के पदाधिकारी एकाएक हुए ऐसे विरोध से सकते में नजर आए। बाद में जब पता चला कि यह विरोध करने वाला कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद कर्दम का भाई है, उनकी पारिवारिक और राजनीतिक अदावत करीब 3 दशक पुरानी है। जब सुरेश चंद कर्दम महापौर का चुनाव लड़े थे तब उनका भाई भी पार्षद का चुनाव लड़ा था। उस दौरान सुरेश चंद कर्दम ने अपने भाई का साथ नहीं दिया था, तभी से दोनों भाइयों के बीच दरार उत्पन्न हो गई और यह दरार अभी तक बनी हुई है, जिसकी परिणति आज जिला मुख्यालय पर देखने को मिली। हालांकि इस बारे में सुरेश चंद कर्दम ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और वह सिर्फ मुस्कुराकर जिला मुख्यालय से निकल गए। हालांकि समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने इस दौरान जिला मुख्यालय के गेट के बाहर तैनात पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि एक व्यक्ति हमलावर की मुद्रा में विरोध कर रहा था और पार्टी प्रत्याशी के साथ धक्का मुक्की भी कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने रहे, जो उनकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।